गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे होल मिल्क वर्सेस लो फैट मिल्क के बारे में। होल मिल्क, जिसे हम रेगुलर मिल्क भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद फैट कंटेंट के साथ हम छेड़खानी नहीं करते हैं। जबकि बात करें अगर लो फैट मिल्क के बारे में, तो इसमें मौजूद फैट कंटेंट को कम कर दिया आता है। अगर मैं बात करूं कि किस दूध में कितना फैट कंटेंट पाया जाता है, तो आप मेरे स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे, होल मिल्क में लगभग आपको 3.25% फैट कंटेंट मिलता है। बात करें लो फैट मिल्क की, तो उसमें आपको 1% फैट कंटेंट मिलता है। और बात करें स्किम मिल्क की, तो उसमें आपको 0.5% से भी कम फैट मिलता है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी आप जान लीजिए कि दूध में जितना ज़्यादा फैट रहेगा, आपको उसमें ओमेगा 3 भी उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। ओमेगा 3 के बहुत सारे न्यूमरस बेनिफिट्स हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, और इस चीज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी में एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें रिसर्च लिंक भी डाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, आई बटन पे उसकी लिंक मैंने डाल दी है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि दूध में जितना ज़्यादा फैट रहेगा, उतने ही ज़्यादा ओमेगा 3 आपको मिलेंगे, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। पर इन सब के बावजूद भी आपके फेवरेट ब्रू ट्यूबर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि आप लो फैट मिल्क पीजिए या स्किम मिल्क पीजिए। ऐसा क्यों? देखिए, सालों से एक प्रथा चलती आ रही है, जिसमें हमें बताया गया है कि सैचुरेटेड फैट, जो कि हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद होता है, तो सैचुरेटेड फैट अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो आपको हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक जैसी परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सारे ब्रो ट्यूबर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आप लो फैट मिल्क या स्किम्ड मिल्क की ओर जाएं। 1970 में एक एजम्पशन के बेसिस पे पब्लिक पॉलिसी लॉन्च हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि सैचुरेटेड फैट से हार्ट डिजीज का लेना देना है। इसलिए डाइटरी गाइडलाइंस ये रिकमेंड करने लग गई कि भाई आप लो फैट मिल्क या स्किम मिल्क पीजिए। पर अब इस रिकमेंडेशन पे खूब सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस हो चुकी, बहुत सारे एविडेंस हमारे पास आ चुके, जो ये प्रूव करते हैं कि ये रिकमेंडेशन कंप्लीटली गलत है। फॉर एग्जाम्पल, 21 स्टडीज के मेटा एनालिसिस में ये पाया गया है कि सैचुरेटेड फैट से हार्ट डिजीज का कोई लेना देना है ही नहीं। इन फैक्ट, अगर आप सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करते हैं, तो ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम HDL बोलते हैं, तो अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, तो वो उल्टा आपके हार्ट डिजीज में आपको प्रिवेंशन करेगा, आपको मदद करेगा। बहुत से लोग होल फैट मिल्क इसलिए भी नहीं पीते, क्योंकि उन्हें लगता है कि होल फैट मिल्क में मौजूद एक्स्ट्रा कैलोरीज और एक्स्ट्रा फैट उन्हें मोटा कर देंगी। पर गाइस, इसका ऑपोजिट सच है। 11 स्टडीज के एक मेटा एनालिसिस में पाया गया है कि वो लोग जो लोग फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि होल मिल्क कंज्यूम करते थे, वो लोग ओबेसिटी के बहुत कम शिकार हुए हैं। इसी चीज के ऊपर एक और लंबी स्टडी हुई, जिसमें खूब सारी वुमेन्स को लिया गया, और ये पाया कि वो वुमेन जो लोग सबसे ज़्यादा फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते थे, वो लोग ओवरवेट का बहुत ही कम शिकार हुए हैं। बात करें वुमेन्स पे एक और लंबी रिसर्च के बारे में, तो एक स्टडी में 20,000 वुमेन्स को लिया गया, और ये पाया गया कि वो वुमेन जो लोग एक दिन में एक सर्विंग से ज्यादा होल मिल्क पीते थे, वो लोग 15% लेस लाइकली वेट गेन किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ 9 ईयर्स, एज कंपेयर टू दोज वुमेन जो लोग लो फैट मिल्क पीते थे। तो गाइस, वेट लॉस के बेनिफिट्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपके होल मिल्क से जुड़े हुए हैं। होल मिल्क में जो फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं आपके शरीर में। 2016 की एक स्टडी में 10,000 एडल्ट्स को लिया गया, और ये पाया कि जो लोग होल फैट मिल्क पीते थे, उनमें 15% लेस हार्ट डिसीज, 15% लेस ओबेसिटी, 15% लेस डायबिटीज के चांसेस हैं एज कंपेयर टू दोज एडल्ट्स जो लोग लो फैट मिल्क या स्किम मिल्क पीते थे। तो गाइस, मर्जी आपकी है कि आपको अपने फेवरेट ब्रो ट्यूबर्स की बात हवा में सुननी है, या आपको साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस के बेसिस पे अपनी जिंदगी में न्यूट्रिशन को अपनाना है। और गाइस, अगले वीडियो में मैं सैचुरेटेड फैट से ऊपर एक सबसे बड़े मिथ को बर्स्ट करूंगा,
और YouTube पे एक ओपन चैलेंज करूंगा। उस वीडियो में मैं ओपन चैलेंज करके ये बोलूंगा कि मेरी बात को गलत प्रूफ करो, और अगर गलत नहीं प्रूफ कर पा रहे हो तो पब्लिक लोगों को गलत नॉलेज देना बंद करो कि लो फैट मिल्क पियो या लो फैट योगर्ट खाओ, ये सब एकदम बुलशिट बात है। सारे रिसर्च के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए इत्मीनान से पढ़िए, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लीजिए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।